नमस्कार, मैं दीपक कुमार। एक बार फिर जहानाबाद न्यूज पर। कोरोना वायरस को लेकर काफी हंगामा मचा है, लोग डरे सहमे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि लोगों के मन से इस डर को दूर किया जाए। आप तरह तरह की दवाइयों की चर्चा सुन रहे होंगे, लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति से ऐसी कई खतरनाक बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज संभव है और इसे वैज्ञानिक तरीके से साबित भी किया जा चुका है। खासतौर पर बाबा रामदेव पतंजलि की ओर से कोरोना वायरस से लड़ने को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जहानाबाद के सबसे प्रतिष्ठित पतंजलि स्टोर में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पतंजलि में मौजूद वैद्य जी डॉक्टर शेखर जी, शशांक शेखर जी हमारे साथ हैं। तो ये हमें बताएंगे कि जिस तरह से अभी बाबा रामदेव जी के दिशा निर्देश आ रहे हैं कि पतंजलि के पास ऐसे तमाम उपचार संभव है कोरोना से लड़ने को लेकर, तो उसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? नमस्ते सर, अभी मेरे पास कोरोना के भी पेशेंट नहीं आए हैं। अभी जो भी है मौसमी प्रभावित पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इस तरह का। और जिस तरह का हमें स्वामी जी और आचार्य जी का निर्देश प्राप्त हुआ है, उस तरह के जहानाबाद जो है पतंजलि कोरोना वायरस लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हमारे पास अभी भी तुलसी पंचांग है, गिलोय है, तुलसी घनबट्टी है, नीम घनबट्टी है, हरिद्राखंड है, आदि है। हमारे पास अदरक का भी आए हुए हैं, यहाँ पर जिंजर है। तो इस तरह के मेरे पास दवाएं जो है जो अभी पर्याप्त मात्रा में साधन है और हम उस तरह किसी भी परिस्थिति में निपटने के तैयार हैं। तो वैद्य जी, ये जो तमाम चीजें आप बता रहे हैं, जैसे ये एक हरिद्राखंड हो गया, ये गिलोय स्वरस है और ये तुलसी पंचांग स्वरस है, और भी चीजें हैं वो हम दर्शकों को दिखाएंगे, तो ये बीमारी से बचने के लिए है या बीमारी से लड़ने के लिए है? बीमारी से लड़ने के लिए भी है, बीमारी से बचने के लिए भी है। हम लोग जैसे गिलोय है, इम्यूनाइजेशन को हमारा ठीक करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तुलसी भी है, वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इसमें तुलसी में यहाँ पर तुलसी के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो कैंसर वगैरह तक भी हम लोग प्रयोग करते हैं। गिलोय का भी जो प्रयोग करते हैं हम लोग कैंसर वगैरह में प्रयोग करते हैं, जो हमारे यहाँ समाज में इन्फेक्शन के रूप में चले आ रहे हैं। और यह जो हमारे पास जो है ये हजारों वर्ष पहले से ही चला आ रहा है, जो किसी भी तरह के संक्रमण को लड़ते हैं। आदि है, हरिद्राखंड है आपका जो है, सो फिर आपका हरिद्राखंड में जैसे सिरपित वगैरह हो गया, घटेरे वगैरह हो गया, उसमें भी हम लोग देते हैं। स्किन एलर्जी कोई खत्म करता है, उसके साथ ही अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें हम गिलोय या तुलसी देते हैं। गिलोय या तुलसी जो है कफ के बैक्टीरिया से जितना भी होता है वायरस होता है उससे हमको लड़ने की क्षमता। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति नियमित गिलोय, तुलसी, अर्जुन आंवला या फिर गोमूत्र अर्क इन सब का सेवन कर रहा है तो उसको डरने की तो जरूरत नहीं है? डरने की जरूरत नहीं, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सावधानी, अब सावधानी वही है जैसे WHO जो हम लोग को निर्देश कर रहे हैं, WHO के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, किसी तरह का रेस्पायर का हो रहा है, तो हमें 1 मीटर की दूरी पर उसकी दूरी बनाना चाहिए। एक बात वो ये हो गई, हम लोग हाथ नहीं मिला सकते, हम लोग का हाथ मिलाना नहीं है। जहाँ पर डस्ट वीर वगैरह है, जहाँ पर डस्ट वगैरह है वहाँ पर हम उस तरह टच नहीं कर सकते। अच्छा, हाथ को जो है हम लोग भी यहाँ पर भी जो हमारे स्टाफ लोग हैं, मैं दिशा निर्देश किया हूँ, कम से कम 3-4 बार हाथ को धो लेना चाहिए। तो हमारे पास जो है सर हैंड वॉश भी है, हमारे पास नीम वगैरह का भी है, साबुन वगैरह भी है, तो उसके द्वारा हम लोग हाथ। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि हैंड वॉश वही काम करेगा जिसमें अल्कोहल कंटेंट 60% से ज्यादा होगा, ये जरूरी है या फिर जो आम हैंड वॉश है नीम डिटॉल या फिर पतंजलि के पास जो हमारे यहाँ जो नीम है, गिलोय है, डिटॉल है, आप जो होता है तो उस चीज को पूर्ति करने में सक्षम है। तो ऐसा कोई डर नहीं है कि मतलब वही वाला चाहिए? नहीं, ऐसे डर तो नहीं है अभी देखना। अब अगर जिस तरह की बात देखिए मेरे पास आया निकाले उसको, सर ये आपका जो है पतंजलि का हैंड वॉश, हर्बल हैंड वॉश, इसमें टोटल चीज जो देव जो फुल फिल किया जा रहा है उसको जो हम यहाँ पर दे रहे हैं उसको फुल फिल कर रहे हैं, जो WHO बोल वो बोल रहे हैं। इसके बाद भी अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होती है या किसी तरह का हमारे पास आते हैं तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर को सूचित करता हूं। तो अभी मतलब मौसम तो बदल रहा है, तो सर्दी खांसी वाले बस मौसमी ही आ रहे हैं मेरे पास, खांसी सर्दी बुखार। मेरे पास एक टाइफाइड का पेशेंट है, वहां पर खड़ी है, आपके सामने बता रहा हूँ, टाइफाइड का उनकी इलाज चल रही है। अभी तक टाइफाइड में सिर्फ वो बाकी है, बाकी टोटल चीज उनका खत्म हो चुका। मेरे पास हम उनसे भी बात कर लेंगे।
तो जांच दें। हाँ, अभी टाइफाइड का है वो, आप जो ये करंट जांच आया सर। अच्छा, इसमें अभी मेरे पास 25 एक हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ अब एक बाकी। अच्छा, मतलब काफी सुधार कर दिया। टाइफाइड ऑल्सो वो भी ऑल्सो इंफेक्शन का ही है, हम लोग इंफेक्शन के। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या सावधानी बरते, मतलब ये सांस नली की समस्या है सबसे ज्यादा असर उसी पे होता है। समस्या जो होती है, जैसे हम लोग भी बरकरार करते हैं कि धूल धक्कड़ में लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पे भीड़ भाड़ होगी वहाँ नहीं जाएंगे। किसी भी अगर फ्रूट वगैरह है उसको भी धो करके लेंगे, साफ करके लेंगे, किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। हम लोग थोड़ा सा भ्रम में है कि कोरोना फैला हुआ है, लेकिन हमारा WHO भी कहता है कि जब सांस लेने में दिक्कत होती है तब हम लोग उस पर जो है सख्त अमली करें। नहीं तो जनरल मानसून जो चले, अभी अभी हमारे पास सिचुएशन जो है धूप धूप वाली है, समझे कि नहीं, अभी इस तरह का पेशेंट हमारे पास नहीं है। तो सर हम यही कहेंगे कि अभी जहानाबाद में पतंजलि में कोरोना वायरस का कोई भी पेशेंट का कोई भी केस नहीं आया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आता है तो हम लोग फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज को सामना करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, समझे कि नहीं। अच्छी बात है, प्रशासन भी तैयार है और जरूरत पड़ा तो आप तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रशासन से सहयोग लेंगे, हमारे सहपाठी लोग भी हैं उसमें से। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो मास्क को लेके लोग परेशान है, बाजार में मिल नहीं रहा है मास्क, तो वो जरूरी है क्या? जनरल जो मास्क चल रही है वो मास्क से हम लोग को नहीं लगता है कि कोरोना से लड़ सकते हैं। हमारे पास किट्स तो देना ही होगा, जहानाबाद प्रशासन को भी हर स्वास्थ्य कर्मी के पास या स्वास्थ्य केंद्र में किट्स देने होंगे और मास्क वो देने होंगे जिससे हम लोग कोरोना से लड़ सकते हैं। तो वो तो जो बीमार है या जो संदिग्ध है उसको जरूरत है मास्क, सब लोग को उसी को जरूरत है, सब लोग को तो जरूरत नहीं। हम लोग इसलिए जनरल को कहते हैं कि हम उस प्रभावित से संपर्क में नहीं आ जाए, संपर्क जो प्रभावित है उससे हम लोग संक्रमित नहीं हो जाए, इसके लिए हम लोग मास्क का कहते हैं कि हम लोग मास्क लगा। मतलब अगर किसी को सर्दी खांसी भी है तो डरने की जरूरत नहीं, अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो उनको जांच कराना चाहिए। बाहर की तो जांच होनी चाहिए। मतलब आप घर पे रह रहे हैं, आपको सर्दी खांसी हो गया तो कोई नॉर्मल, ये जहानाबाद में भी अगर चीन से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, वियतनाम से आते हैं तो प्रशासन को रेड अलर्ट, या कोई टूरिस्ट प्लेस से घूम के आए तो प्रशासन से मिलने या हॉस्पिटल जाके बता दें। जी, लेकिन फिर भी हम लोग जो है स्वामी जी और महाराज जी के जो आदेश का पालन कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार जो है सो पतंजलि चिकित्सालय सक्षम है, समझे कि नहीं। अब अगर किसी तरह की बात होती है तो हम प्रशासन को पहले सूचित करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शशांक शेखर मिश्रा, वैद्य जी पतंजलि में बैठते हैं। तो अगर आपको कोई चिकित्सकीय सलाह चाहिए हो तो आप यहां आ सकते हैं, अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो आप यहां आकर जांच करा सकते हैं, ये देखकर आपको बता नहीं, देंगे। जैसे सर्दी खांसी बुखार रहे थे, जैसे सदियों से चला रहा है हमारा, देखें आरोग्य बटी देखें। अच्छा, आरोग्य बटी देखें, तो ये है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जागरूक रहे। मेरे यहाँ है आरोग्य बटी, इसमें तुलसी है, नीम है, तो ये काफी है, कारगर है, काफी है। हम लोग कफ वगैरह में, इन्फेक्शन वगैरह में इसको भी देते हैं। चलिए, अच्छी बात है, तो आप जागरूक रहें और डरे नहीं। सबसे अच्छी बात ये है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, और उससे भी अच्छी बात है कि कोरोना का कोई भी संदिग्ध अभी आसपास मिला नहीं है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। अगर सर्दी खांसी बुखार है तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में और आयुर्वेद पद्धति में विश्वास रखते हैं तो आप पतंजलि आ सकते हैं। यहाँ वैद्य शशांक शेखर मिश्रा जी आपको मौजूद मिलेंगे और आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए सभी हैं। इस प्रसारण में फिलहाल इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।